हेलो, चलो कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट वीडियो में? यहाँ तक है। हम ड्रॉबैक पढ़ते हैं, उन्होंने जो अपना मॉडल दिया है इसमें क्या कमियाँ रह गई। ठीक है, पढ़ते हैं। द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद प्लैनेट्स एंड देयर सिस्टम इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन का जो प्लैनेट सिस्टम का जो प्लैनेट सिस्टम था कंपेरिजन किया, ये सबसे बड़ा इसका इनका मेन ड्रॉबैक रहा। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल लॉज ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इफ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन, अगर कोई ऐसा पार्टिकल जो इलेक्ट्रिकल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करता है और मोशन में है, इट एंड इन इट इनएविटेबली इनएविटेबली रेडिएट्स एनर्जी। इनएविटेबली रेडिएट्स एनर्जी क्या करता है ये अनोखी वो छोड़ता है, रेडिएट करता है। ठीक है, रेडिएट करता है। दस एन इलेक्ट्रॉन व्हेन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली शुड रेडिएट एनर्जी। तो ये भी क्या करता है, अपनी एनर्जी छोड़ता है, एनर्जी इसके अंदर से छूटती जाती है, इसके अंदर से एनर्जी खत्म होती जाती है। एज ए रिजल्ट इट शुड बी ग्रेजुअली पुल्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो इससे वो अल्टीमेटली क्या होगा, एक बार ये नेगेटिव चार्ज आए ना, घूमता है घूमता है, इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होती जाएगी। तो अभी ये बाहर की बाउंड्री पे घूम रहा है, अभी तो बाहर की बाउंड्री पे है, इससे एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये अंदर की तरफ आता जाएगा, अंदर की तरफ आता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। दिस विल रिजल्ट इन दी को, और इस तरह से एटम, और इस तरह से एटम का जो खत्म हो जाएगा। हो इफ इट वॉज सो, अगर ऐसा होता है तो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। तो एटम कैसा होना चाहिए, हाईली अनस्टेबल होना चाहिए, एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट। फिर तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन दी फॉर्म डेट वी नो, जिस फॉर्म में हम जानते हैं उस फॉर्म में होगा है। हाउएवर, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हाउएवर वी नो दैट एटम इज स्ट्रक्चरली स्टेबल, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, हम तो जो देखते हैं एटम स्टेबल होता है, तो इसका मतलब जो उन्होंने मॉडल दिया है ये गलत है। इस तरह से रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फेल हो जाता है एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने। ठीक है, फिर आते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इन 1913 नील्स बोहर अ डेनिश साइंटिस्ट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द एटम यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम के ऊपर। फिर एक और बोहर साहब आए, उन्होंने बताया मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर ऑर्बिट में सेंट 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 ऑर्बिट में एक सर्ट एक लिमिट तक बने रहते हैं, जिसको बोलते हैं सेल्स, इसको क्या बोलते हैं सेल्स या फिर एनर्जी डबल एनर्जी डबल एनर्जी डबल एनर्जी डबल एनर्जी डबल एनर्जी डबल ईच ऑफ विच इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जो जहाँ और जिनकी एक फिक्स एनर्जी बंधी हुई होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है। वाइल इट इज रिवॉल्विंग वाइल इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, तो जब ये ऑर्बिट में घूम रहा होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेदर लूज और नॉर गेन्स एनर्जी, ना तो ये एनर्जी गेन करते हैं ना ये लूज करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑन गेनिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जंप्स टू नेक्स्ट ऑर्बिट। वो कह रहे जैसे इनकी एनर्जी बढ़ती है, जिसके तब वो नेक्स्ट ऑर्बिट में एंट्री कर लेता है 22 वर्ष, और अगर कम होता तो नीचे आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। सिंस ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि हर किसी में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, तो वो कम तो जीरो तो हो ही नहीं सकती। बोहर कॉल्ड इट एन एनर्जी लेवल, तो क्योंकि हर किसी की फिक्स एनर्जी होती है, तो उन्होंने उस चीज़ को बोल दिया एनर्जी लेवल की, हर किसी की एनर्जी लेवल सेट आई है। फॉर कन्वीनियंस दी दीज एनर्जी लेवल्स आर लेवल्ड एज दिस, तो इन एनर्जी लेवल कैसे एक्सप्लेन कर देगा के एलिमेंट और 1 2 3 4 एटसेट्रा, कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, के एलिमेंट ओपी कर लो या फिर 1 2 3 4 करके कर लो। ऑर्बिट द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस इज द के, तो ऑर्बिट के सबसे बगल में होता है उसको बोलते हैं के, एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट आर कॉल्ड के इलेक्ट्रॉन। इस के वाले रूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे सभी को के इलेक्ट्रॉन्स कहा जाएगा। सो ऑन विद द सक्सेसिव सेल्स, यानी कि जो एल वाले होंगे उसमें एल ऑर्बिट एल इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, जो एम वाले ऑर्बिट में वो एम इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, बस यही था बोहर का मॉडल। अब आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, बाय नाउ वी नो दैट एन एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हम जानते हैं कि एटम क्या करता है, प्रोटॉन भी कंटेन करता है, प्रोटॉन भी कंटेन करता है, एंड देयर द एटॉमिक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगलिजिबल। और जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेगलिजिबल होता है, ना के बराबर होता है।
देयरफॉर एन एटम ऑफ हीलियम व्हिच कंटेन्स टू प्रोटॉन्स वुड हैव अ मास इज इक्वल टू दिस। तो वो कह रहा है इसीलिए जो हीलियम जो मैटर होता है, हीलियम जो एटम होता है, उसका जो मास है वो 2 प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। जो 2 प्रोटॉन रखता है उसका मास 2 AMU होना चाहिए। क्यों सर जी? 2 AMU ये तो 2 प्रोटॉन के बराबर हो गया। 1 प्रोटॉन में 1 AMU होगा, तो 2 प्रोटॉन में 2 AMU हो गया, इलेक्ट्रॉन तो गायब ही हो गया। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव होता है, ना के बराबर, तो उसको कंसिडर ही नहीं किया गया। ना के बराबर तो उसको कंसिडर किया ही नहीं गया। बट द एटॉमिक मास फाउंड टू बी एप्रोक्सीमेट, फाउंड टू बी एप्रोक्सीमेट से। ओ हो सर, ये क्या हुआ? एक्चुअली जैसे आपको ध्यान है ना, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी सर? वो कुछ टोटल करके देख रहे तो नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर पड़ा था। ऐसे यहाँ पे न्यूटन के केस में भी चक्कर पड़ा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना आपकी? हो रही है। तो यहाँ पर क्या चक्कर पड़ा बेसिकली? उन्होंने जब उन्होंने देखा कि हीलियम के अंदर 2 होते हैं, ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेट नेगेटिव होता है, नेग्लिजिबल होता है, बेसिकली नेग्लिजिबल, नेगेटिव नहीं, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। तो जो हीलियम का जो वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? प्रोटॉन्स के बराबर। तो प्रोटॉन्स का वेट उन्होंने निकाला, तो प्रोटॉन्स का वेट उनका निकला 2 AMU, लेकिन उन्होंने रियल में चेक किया तो रियल में चेक किया तो रियल में तो उसका वेट 4 AMU के बराबर निकला। 4 AMU निकला निकला, ठीक है, तो 4 AMU के बराबर निकला। तो उनको लगा अरे नहीं, यहाँ पे कुछ तो कमी है, इतना डिफरेंस कैसे, इतना डिफरेंस कैसे? तो इसके बीच में कुछ और भी होना चाहिए, कुछ और भी होना चाहिए। इट वॉज देयर फॉर, इसीलिए इसीलिए इट वॉज प्रपोज दैट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम देयर मस्ट बी अनदर पार्टिकल। तो पता चला कि न्यूक्लियस में जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई एक दूसरा पार्टिकल भी होना चाहिए। दिस पार्टिकल शुड नॉट पजेस एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इस पार्टिकल के पास कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव था, प्रोटॉन पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव तो कैंसिल हो चुके हैं। अगर अब कोई दूसरा एलिमेंट आता है, अब वो अपने ऊपर कोई चार्ज कैरी करेगा तो फिर न्यूट्रल हो ही नहीं पाएगा। तो एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जिसके ऊपर और मस्ट नहीं होना चाहिए, और मस्ट बी इक्वल टू दी इक्वल इन दी मास टू दी प्रोटॉन, और उसका वेट हम प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए, उसका भी 2 होना चाहिए। तो 1932 में चैडविक आए, जेम्स चैडविक, उन्होंने इन पार्टिकल्स को डिस्कवर किया बाय बॉम्बार्डिंग लाइट, होती एक है ना, अभी अल्फा पार्टिकल्स हीलियम के इसको छोड़ दो आप। दिस पार्टिकल्स आर फाउंड टू बी न्यूट्रल, पता चला कि जो पार्टिकल्स न्यूट्रल होते, सो न्यूट्रॉन, सॉरी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूट्रॉन्स रख दिया गया, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल से इसको न्यूट्रॉन रख दिया गया, ठीक है। अ न्यूट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ और फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विद नो चार्ज एंड मास, है ना, एंड मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, समझ लो क्या, है ना। न्यूट्रॉन इज डिनोटेड बाय दिस, सर जीरो के डिनोट करता है कि इस पर कोई चार्ज नहीं है, 1 के रिप्रेजेंट करता है इसका मास, ठीक है। ये देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, दिस पार्टिकल वॉज नॉट फाउंड टू बी डिफ्लेक्टेड बाई एनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, प्रूविंग दैट इट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इससे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी को फर्क। इट्स मास इज इक्वल टू दिस, इसका जो मास होता है इसके बराबर होता है, जिसको हम AMU 1 AMU बोलते हैं। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स जब सारे सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, इट वॉज फाउंड दैट ऑल एटम्स हैव द फॉलोइंग सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर, वो का एक सिमिलर स्ट्रक्चर है बेसिक, वो क्या कि हर किसी को कुछ चार्ज होता ही है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन्स पर कोई भी नहीं, यानी चार्ज वाले बातें कॉमन हो गई। फिर पता चला ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, डी न्यूक्लियस होते हैं, डी न्यूक्लियस होते हैं, और ये इन डी न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इसमें क्या फिर पता चला, इसमें क्या कि ये थोड़े न्यूट्रॉन जो कि हैं बेसिकली प्रोटॉन से थोड़े हैवी होते हैं, प्रोटॉन से थोड़े भारी होते हैं, ये कुछ डेल्टन डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा इसको जरा देखते हैं। डेल्टन के अकॉर्डिंग एटम्स जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल, लेकिन मॉडर्न वालों ने थोड़ा डिस्कवर किया उन्होंने कहा इंडिविजुअल होते हैं, और इंडिविजुअल होकर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनने कहा कर्षण डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कर्षण डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने क्या बोलता, बाय नॉर्मल प्रोसीजर्स है ना, बाय ऑर्डिनरी मेथड्स, इन्होंने कहा नहीं आप इसको क्रिएट कर सकते, लेकिन उन्होंने ऑर्डिनरी मेथड को लिया नहीं, उन्होंने कहा हम न्यूक्लियर फोर्स लगाएंगे, न्यूक्लियर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन लगाएंगे, और उससे हम इसको क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा द एटम्स लाइक एलिमेंट आर लाइक अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट, जो एटम्स एक एलिमेंट एक एटम के अंदर के जितने भी एलिमेंट होते हैं, सॉरी एक एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं वो सारे सेम होते हैं, पर उन्होंने कहा एक एलिमेंट के अंदर जरूरी नहीं,
सेम हो तभी नहीं, बट इट डिफर फ्रॉम दी एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के तो अलग अलग एटम्स होती हैं। फिर ये कह रहे हैं एज सीन इन द केस ऑफ आइसोटोप, तो कह रहे हैं एक आइसोटोप एक ऐसा है एटम है जिसके अंदर आप चेक करोगे उस एटम के अंदर जितने भी उस एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं सब अलग अलग होते हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसने पता कि एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और वो कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। वही यहाँ पर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड द नंबर्स कैन बी वेरिएबल। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे वो स्मॉल नंबर्स है, यहाँ पर वो कह रहा है वेरी बिग नंबर्स हो सकते थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक से कुछ लाइन दी हुई है, एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटॉन। एक अल्फा पार्टिकल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, दो प्रोटॉन होते हैं दो न्यूट्रॉन होते हैं। इट द सेम विद हीलियम, बिल्कुल हीलियम एटम की तरह ही होता है बेसिकली। एंड दैट हैज लॉस्ट बोथ द इलेक्ट्रॉन, और उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, आपका एक खबर हो गया, आपका पर खत्म हो गया ये वाला, था ये पूरा आपका होमवर्क में है, ट्राई करना। और आगे का मैंने जैसे बोला था आपके पास लास्ट वीडियो में, अगर इसका कुछ है इसके अभी का भी आपके सिलेबस में, उसको मुझे सेंड कर देना। ठीक है।